तेल की कीमतों में बढ़ोतरी लगातार जारी है। शनिवार को स्थिर रहने के बाद आज फिर पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी दर्ज की गई। तेल कंपनियों ने आज पेट्रोल के रेट में 29 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी की, जबकि डीजल 28 पैसे प्रति लीटर महंगा हुआ। दिल्ली के बाजार में 20 जून को पेट्रोल बढ़कर 97 रुपए 22 पैसे प्रति लीटर हो चुका है। वहीं आपको बता दें कि डीजल 87 रुपए 97 पैसे प्रति लीटर तक पहुंच चुका है। तो पेट्रोल डीजल के दाम एक बार फिर से बढ़ चुके हैं। शनिवार को एक दिन की राहत के बाद एक बार फिर से पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े। तो पेट्रोल डीजल के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं। और इसी बीच इस खबर पर हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अमित चौधरी जुड़ चुके हैं लाइव। अमित, लगातार एक दिन की राहत के बाद एक बार फिर से पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ चुके हैं, आम आदमी एक बार फिर से परेशान है। जी, तारीख बदलने के साथ ही आज एक बार फिर पेट्रोल और डीजल के दाम में बढ़ोतरी हो गई है जी। और यह सब तब हो रहा है जब लॉकडाउन के चलते जनता को थोड़ी छूट दी गई है, थोड़ी रियायत दी गई है, जिसके चलते ज्यादातर ऑफिस और कार्यालय खुल गए हैं, लेकिन लोकल ट्रेनें बंद हैं, जिसके चलते नौकरी पेशा आदमियों को अपने टू व्हीलर या फोर व्हीलर का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। अगर फरीदाबाद की बात करें तो आपको यहाँ एक लीटर पेट्रोल लेने के लिए 100 का नोट लाना पड़ेगा। अगर आज की बात करें तो फिर से एक बार पेट्रोल और डीजल के दाम में बढ़ोतरी हुई है। आज यहाँ पर जो रेट है वो 95.34 और डीजल का जो दाम है वो है 88.94 पैसे हो गया है। जी अमित, जिस तरह से दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं, हम लोग भी परेशान हैं। और ऐसे में ना सिर्फ इस सेक्टर पर बल्कि इसका और भी कई सेक्टर्स पर प्रभाव पड़ता है। अमित जी, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। यहाँ पर कुछ ग्राहकों से हमारी बात हुई, जिनका ये कहना है कि बढ़े हुए दामों से कहीं ना कहीं उनका घर का बजट खराब हो रहा है। साथ ही साथ एक ट्रांसपोर्टर यहाँ बात हुई ट्रांसपोर्टर से, उनका ये कहना है कि भाड़ा भी लगातार बढ़ रहा है डीजल मेट्रो पेट्रोल के दाम बढ़ने के साथ ही, जिससे किराए में बढ़ोतरी हो रही है। कम उनके पास अभी माल कम आ रहा है। जी अमित, जिस तरह से हम देख सकते हैं कि आप इस वक्त पेट्रोल पंप पर मौजूद है, अगर आसपास आपके लोग हैं उनसे भी बात करने की कोशिश कीजिएगा इस पर। इसी के साथ साथ आपसे ये भी जानना चाहेंगे, क्योंकि कोरोना काल में जिस तरह से लॉकडाउन मिला था, अब राहत भले लोगों को लॉकडाउन से मिल चुकी है, लेकिन अब जो दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं वो कहीं ना कहीं लोगों को परेशान करेंगे। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। लॉकडाउन के चलते पहले ही आम आदमी परेशान था, लेकिन धीरे धीरे जिस तरह से लॉकडाउन खोला जा रहा है, लोगों को छूट मिल रही है, लेकिन आम आदमी अभी भी पेट्रोल और डीजल के बढ़े हुए दामों से परेशान है, क्योंकि उनके ऑफिसेज कार्यालय खुल चुके हैं। अगर फरीदाबाद से दिल्ली या नोएडा जाना हो तो उन्हें कहीं ना कहीं अपने वाहन का इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्योंकि लोकल ट्रेनें अभी बंद हैं और सार्वजनिक वाहनों पर अभी ज्यादा छूट नहीं है। 50% के साथ ही यात्रा कर रहे हैं तो ज्यादातर यहाँ से ट्रेवल करने वाले यात्री अपना ही वाहन यूज कर रहे हैं, उसके लिए उन्हें पेट्रोल पंप तक आना पड़ेगा, हर 2 या 3 दिन में उनको पेट्रोल भरवाना पड़ेगा जी। तो ये बहुत बड़ी समस्या आ रही है, बढ़ते हुए दामों से उनका अपना घर का बजट खराब हो रहा है। जी आपने बिल्कुल सही कहा कि बढ़ते हुए दामों से बजट लोगों का लगातार खराब होता जा रहा है। शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। हमें ताप ग्राउंड पर अपनी नजर बना के रखेगा, हम आपसे आगे भी अपडेट